एंटरटेनमेंट जगत में इन दिनों एक के बाद एक सेलेब्स करोना की चपेट में आ रहे हैं, जिन्हें देखकर लग रहा है कि जैसे बॉलीवुड में करोना का विस्फोट हो गया। जहां हाल फिलहाल में ही अर्जुन कपूर सहित उनकी फैमिली के कई लोग करोना पॉजिटिव पाए गए, तो वही अब खबरें आ रही हैं कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर एकता कपूर को भी करोना हो गया है। जी हाँ, डेली सोप क्वीन एकता कपूर भी अब करोना की चपेट में आ गई। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको एकता कपूर के ही करोना से जुड़ी कुछ नई अपडेट्स के बारे में बताएंगे, जहां पर हम आपको बताएंगे कि एकता को कोरोना कैसे हुआ। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। बॉलीवुड की दुनिया में कोरोना वायरस बहुत ही तेजी से पांव पसार रहा है, जो बीते साल की तरह ही इस साल की शुरुआत में ही कोरोना का आतंक फैल रहा है। जहां फिल्मी दुनिया में इस महामारी ने दोबारा से घर बसा लिया, वही अब खबरें आ रही है कि टीवी और बॉलीवुड की जानी मानी प्रोड्यूसर एकता कपूर भी अब कोरोना वायरस की चपेट में आ गई। जी हाँ, एकता कपूर ने कोविड-19 के बाद खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है और अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मेरे सभी तरह की सावधानियां बरती थी, लेकिन फिर भी मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। इतना ही नहीं, एकता कपूर ने अपने संपर्क में आए लोगों से भी अपना कोविड-19 टेस्ट करवाने के लिए कहा है। जी हाँ, पिछले साल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली टीवी सीरीज और फिल्म निर्माता एकता कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, सभी सावधानियां बरतने के बावजूद मेरी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं ठीक हूँ और मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं, वो सभी कृपया करके अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं। बता दें, फिलहाल एकता कपूर अपने घर पर कोरोना वायरस का इलाज करवा रही हैं। तो दोस्तों, आपको एकता कपूर के कोरोना पॉजिटिव होने के बारे में क्या कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।